समाचारों भरूच थी भरूच में एक होटल नी अंदर आग लागता अफरा तफरी नो माहौल सर्जायो छे। भरूच नी न्याय मंदिर होटल में भीषण आग ना समाचार। अगम्य कारणोसर होटल में एकाएक आग लागी गई। फायर विभाग नी टीमो अत्यारे घटनास्थल पर पहुंची छे। आग पर काबू मेळवा माटेना प्रयत्नों हाथ धरवामां आव्या छे। फायर विभाग द्वारा आग पर काबू मेळवा माटेनी कवायत तेज करवामां आवी। हाल फायर विभाग नी टीम घटनास्थले पहुंची चुकी छे। भरूच नई न्याय मंदिर होटल के ज्यां भीषण आग लागी। अगम्य कारणोसर होटल में आग लागता अफरा तफरी नो माहौल सर्जायो। फायर विभाग की टीम हाल आ आग पर काबू मेळवा माटेना प्रयत्नों तेज कर्या छे। पानी नो मारो चलावामां आवी रह्यो छे। एकाएक ज न्याय मंदिर होटल भरूचनी ज्यां आग भभूकी उठी नासभाग मची। आ होटल में आग लागता जो कि कया कारणोसर आग लागी ते हजी जाणी शकायुं नथी। हाल फायर विभाग की प्राथमिकता आग पर काबू मेळवानी। त्यारे फायर की टीम भारे जहमत उठावी रही छे आग पर काबू मेळवा माटेनी। दृश्य में जोई शकाय छे आखी होटल बळीने खाक थई गई छे। भरूचना न्याय मंदिर होटल में भीषण आग लागता तुरंत ज फायर फाइटर की टीम घटना स्थल पर पहुंची अने आग पर काबू मेळवाना प्रयत्नों तेज करवामां आव्या छे। दृश्योमां जोई शकाय छे न्याय मंदिर होटल के ज्यां फायर विभागनी टीम द्वारा प्रयत्नों तेज करवामां आव्या आग पर काबू मेळवा माटेना। अफरातफरीनो माहौल सर्जायो हतो। आगना आ दृश्यो भरूचनी न्याय मंदिर होटेलना एकाएक ज आग भभूकी उठी हती। संवाददाता दिनेश जोड़ाई गया छे। दिनेश जणाओ कई रीते लागी हती आग अने हाल शू परिस्थिति? जी चौक्स। हा भरूचना नेशनल हाईवे 48 उपर होटल न्याय मंदिर आवेली छे अने जाणवा मळ्या मुजब शोर्ट सर्किटथी आग भभूकी होय अने आग एटली विकराळ स्वरूप धारण कर्युं छे। अंदर जे गेस सिलिंडर छे ते पण ब्लास्ट थई गया छे जेना कारणे आग उपर पण काबू मेळवो मुश्किल थई गयो छे। पण हाल જ્યાં આગ લાગી છે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે અને પોલીસ પણ સ્થળ પર દોડી આવી છે, પરંતુ આગ હજુ કાબુમાં લેવાય નથી। સતત 3.5-4 કલાકથી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને હજુ પણ આગ યથાવત છે। સતત પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે। લગભગ ભરૂચ જે આગ લાગી છે ત્યાં પાણીનો બંબા લગભગ 5-7 જેટલા બંબા પણ ઘટનાસ્થળે આવી ગયા છે। પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો છે, પણ આગ કાબુમાં લેવાય તેવા કોઈ અણસારો દેખાતા નથી। એટલે હાલ જ્યાં આગ લાગી છે ત્યાં લોકોના ટોળા છે અને આગ પણ હજુ સતત ભયંકર બની રહી છે। જી આભાર તમામ જાણકારી આપવા માટે। તો હાલ આગ પર કાબુ મેળવવા માટેના પ્રયત્નો તેજ કરવામાં આવ્યા છે। ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળ પર આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે। શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક કારણ બહાર આવ્યું છે।